सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाइए हमारा वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार, मैं अभिकांत तिवारी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं एक विशेष जानकारी देने के लिए आपके पास आया हूं। और हां, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल देख रहे हैं और अगर आपके चैनल के नीचे आप वीडियो के नीचे अगर रेड बटन दिखाई दे रहा है, इधर सब्सक्राइब लिखा हुआ, तो प्लीज उसे दबा लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे और उसके बगल में होगा एक बेल बटन, उसे भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक जरूर पहुंचे और वो हो सकता है वो वीडियो आपकी मदद करे एक्टिंग करियर के लिए और एक्टिंग को समझने के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में चीजों को समझने के लिए आपकी जरूर मदद करेगी। आज जो मैं जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ये बहुत सारे लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है कि ये बहुत कॉमन सा सवाल है और हर रोज कोई ना कोई मुझसे जरूर पूछता है कि सर मुझे अंग्रेजी नहीं आती, मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता, मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो क्या मैं इस इंडस्ट्री में यानी फिल्म इंडस्ट्री में यानी हिंदी सिनेमा में या हिंदी टीवी सीरियल में क्या मैं काम कर सकता हूं? देखिए, बात ऐसा है कि सिर्फ आपको कोई भाषा, अंग्रेजी सिर्फ एक भाषा है जो कि हमारे देश की नहीं है, और देश की नहीं होने के मतलब एक ही है मेरा कहने का कि आपको अगर इंडियन सिनेमा में काम करना है, इंडियन टेलीविजन में काम करना है, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी हिंदी अच्छी हो, हिंदी पे आपकी पकड़ अच्छी हो। और ये सिर्फ भाषा है तो इसे ये पकड़ के आप बिल्कुल मत बैठिए कि नहीं मुझे अंग्रेजी नहीं आती क्योंकि आप अंग्रेजी फिल्मों में काम करने नहीं जा रहे हैं, आप हिंदी सिनेमा में काम कर रहे हैं तो आपकी हिंदी अच्छी हो, ये जरूरी है। हाँ, अंग्रेजी अगर आती है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, बट ये कंपल्सरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको इंडियन सिनेमा में या फिर फिल्म इंडस्ट्री में या टीवी सीरियल में आपको काम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद भी इस बात को जज कर सकते हैं, इस सवाल का जवाब आप खुद भी ढूंढ सकते हैं। क्या कभी भी आपने इंडियन सिनेमा में या टीवी सीरियल में कभी फुल टू अंग्रेजी बोलते हुए किसी को देखा है आपने? नहीं देखा ना, क्योंकि लोग बोलते ही नहीं है और ये सिर्फ एक भाषा है। तो प्लीज, अगर आप इंडियन हैं, आप मानते हैं कि आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के लिए हिंदी जानना जरूरी है, और वो भी हिंदी में आपकी डिक्शन, डिक्शन कहने का मतलब शब्दों का जो आप उच्चारण करते हैं, शब्दों का उच्चारण और हिंदी पे आपकी बहुत ज्यादा पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी हिंदी पे पकड़ है, आपको हिंदी अच्छे से आती है, तो इसमें शर्म करने वाली कोई बात नहीं है कि नहीं अरे यार मुझे तो इंग्लिश नहीं आती तो मैं कैसे लोगों से बात करूंगा। भाई, यहाँ जो भी लोग हैं और ऐसे इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी के अलावे और कोई भाषा नहीं आती, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर भी हैं, उन्होंने भी उनकी भी हिंदी अच्छी नहीं है और वो हिंदी नहीं जानते हैं। लेकिन अगर आप इन्वायरमेंट में रहते हो, अगर आप धीरे धीरे इंडस्ट्री में आते हो, आपको काम मिलता है, लोगों से जब मिलते जुलते हो तो थोड़ी बहुत इंग्लिश तो हर किसी को आई जाती है। आप लेकिन जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि नहीं आपको अंग्रेजी आनी ही चाहिए। नहीं आती है कोई बात नहीं, दिमाग को आप अपना एकदम इस बात से साफ रखिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिंदी की अच्छी जानकारी, मैं बार बार इस शब्द पे ज्यादा फोकस कर रहा हूं कि हिंदी की अच्छी जानकारी, क्योंकि हिंदी सिनेमा में और टीवी सीरियल में बहुत सारे ऐसी मैथोलॉजिकल सीरियल होती है, जैसे लॉर्ड कृष्णा पे होती है, शंकर भगवान के ऊपर होती है, गणपति भगवान के ऊपर होती है, तो ये जितने भी मैथोलॉजिकल सीरियल्स हैं उसमें जो हिंदी होती है वो काफी ज्यादा उच्च स्तरीय हिंदी होती है, काफी कठिन और मुश्किल भरे कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रोनंसिएशन, जिनका उच्चारण आपको भरसक प्रयास करना चाहिए कि उन चीजों को आप ध्यान से सुनिए और सीखिए।
हाँ, ये मैं टिप आपको दे सकता हूं कि हिंदी आपकी अच्छी हो इसके लिए बहुत सारी बुक्स की रीडिंग कीजिए। आपने बचपन से ही सुना होगा कि हम मम्मी पापा हमेशा हमसे बोला करते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, पढ़ो। कोई ये नहीं बोलता कि लिखो या फिर कौन से क्लास में लिखते हो, लेकिन ये बात आप हमेशा सुनते हैं कि पढ़ो पढ़ो। ये आप थोड़ा सा आप बचपन में जाइए और इन शब्दों पे फिर से एक बार गौर कीजिए। वो सिर्फ इसीलिए बोलते हैं कि आपकी जो भाषा है, आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपकी भाषा की जो शुद्धता है वो अच्छी हो, आप अच्छे तरीके से आप हिंदी बोल सको, आप जो बोल रहे हैं वो सामने वाले को डिट्टो समझ में आए। सामने वाले को समझ में कैसे आएगा? अगर कोई इंसान, आप अगर मैं हिंदी बोल रहा हूं और अगर आपको कोई शब्द समझ में नहीं आया तो आप कहेंगे कि सर प्लीज एक बार और बोलिए, मुझे सुनाई नहीं दिया या फिर मैं समझा नहीं। तो पता है हमारे अंदर कमी क्या होती है? हम फटाक से, हमारा दिमाग ये सोचता है अच्छा आपको समझ में नहीं आ रही है, मैं फिर से एक बार बोलता। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। आपको जब भी कोई इंसान आपको बोलता है कि क्या आवाज सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलिए। जब भी ऐसा कोई कहता है इट मींस कि मेरे अंदर प्रॉब्लम है, मेरी कम्युनिकेशन खराब है, मेरी शब्द की जो प्रोनंसिएशन है, मेरा शब्द का जो उच्चारण है वो गलत है, मेरे अंदर गलत है। मैं अपनी भाषा पे अगर जोर दूं, अपनी भाषा को और बेहतर करूं तो मैं कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकता हूं। तो अपने अंदर की कमियों को दूर कीजिए। भाषा के ऊपर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि मुझे अंग्रेजी आ जाए, अंग्रेजी आ जाएगी तो मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा। कुछ कुछ तो लोग बॉडी लैंग्वेज को अंग्रेजी के माध्यम से सिखाते हैं कि आपका, आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाएगी क्योंकि आपको इंग्लिश आ जाएगी। इंग्लिश आने से या भाषा सीख लेने से आपकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप नहीं होने वाली। पर्सनालिटी अगर खुद को डेवलप करना है तो जिस चीज, एक ही चीज पे आप फोकस करो कि आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। इसके लिए आप बुक्स पढ़ो, जोर जोर से पढ़ो, बोल के पढ़ो। बोल के पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर डेली 10 मिनट भी आप अगर हिंदी को अच्छी तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपकी जो भाषा है वो शुद्ध हो जाएगी और आपका जो डिक्शन है वो बेहतर हो जाएगा। उर्दू के अल्फाज आप याद कीजिए, संस्कृत के शब्द आप याद कीजिए और अपनी हिंदी की वोकैबुलरी को बढ़ाइए, नहीं कि आप इंग्लिश सीख के और उसमें कंफ्यूजन और उलझने पैदा करिए। उलझने पैदा करने से बेहतर है कि एक तरफ आप फोकस कीजिए, हिंदी बहुत अच्छे तरीके से सीखिए और मेरे इस टिप को जरूर अपनाइएगा। आप हिंदी पढ़िए, जोर से पढ़िए, संस्कृत के श्लोक याद कीजिए और उनके शब्दों के मीनिंग को समझिए और उनकी फीलिंग्स को समझिए और तब उन्हें बोलने का प्रयास कीजिए। तो बस आज मैं यही कहना चाहता था और यही बात कहने के लिए मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि आप लोगों को कैसे मैं बताऊं, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं और जिन्होंने भी ये पूछा होगा उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये अपनी जो इच्छा है आपने जाहिर की। और मैं, मुझे लगता है कि ऐसा कि मैं आप लोगों को कन्विंस कर पाया हूं। अगर कोई भी इससे रिलेटेड सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे में आप लिख के पूछ सकते हैं, मैं वीडियो के थ्रू आपको मैं जवाब उसका जरूर दूंगा। और हाँ, ये वीडियो बहुत लोगों का सवाल था तो अगर आपके लिए ये जरूरी है तो और भी हो सकता है, और भी लोग हो जिनको इसका जवाब चाहिए, तो इस वीडियो को आप प्लीज ये वाला जो बटन है उसे दबा के शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को फायदा हो सके। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। और जो भी आपके मन में कुछ सवाल है तो आप मुझसे पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। थैंक यू।